प्रश्न क्रमांक एक, भारत में पहला आधार कार्ड किस वर्ष बनाया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 29 सितंबर 2010 को। भारत में सबसे पहला आधार कार्ड महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तंभाली गांव की रहने वाली रंजना सोनवानी जी का बना था। यह आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को बना था। प्रश्न क्रमांक दो, धर्म के अनुसार धरती का पहला मानव किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, स्वयंभुव मनु। हिंदू धर्म के अनुसार धरती का पहला मानव स्वयंभुव मनु को माना जाता है। मनु के कारण ही मानव जाति का नाम मानव पड़ गया था। संस्कृत में मानव को मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते शब्द मेन का प्रयोग हुआ। प्रश्न क्रमांक तीन, दुनिया का सबसे जहरीला जहर निम्न में से किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, पोलोनियम 210। दुनिया का सबसे जहरीला जहर पोलोनियम 210 है। पोलोनियम 210 की खोज मशहूर भौतिकविद और रसायन शास्त्री मेरी क्यूरी ने साल 1898 में की थी। उन्हें रसायन क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पहले पोलोनियम का नाम रेडियम एफ रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। प्रश्न क्रमांक चार, जियो का अनऑफिशियल फुल फॉर्म क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। वैसे तो जियो की ऑफिशियली कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी के इंटरव्यू के दौरान उनसे यह सवाल पूछा गया था कि जियो की फुल फॉर्म क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया था जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। जियो सॉफ्ट 27 दिसंबर 2015 को भागीदारों और कर्मचारियों के लिए एक बीटा के साथ लॉन्च हुआ और 5 सितंबर 2016 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक पांच, किस देश के एक भाग में दिन और एक भाग में शाम होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, रूस। विश्व में रूस एक ऐसा देश है जिसके एक भाग में दिन और एक भाग में शाम होती है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक बड़ा है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की मुख्य भाषा और राजभाषा रूसी है। प्रश्न क्रमांक छह, जेसीबी का फुल फॉर्म क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जोसेफ सारियल बामफोर्ड। जेसीबी का फुल फॉर्म जोसेफ सारियल बामफोर्ड है। जेसीबी किसी मशीन का नाम नहीं बल्कि एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम है। यही जेसीबी कंपनी खुदाई और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली इस मशीन को बनाती है, जिसे हम जेसीबी कहते हैं। इस मशीन का वास्तविक नाम बैकहो लोडर है। प्रश्न क्रमांक सात, सामान्यतः एक मच्छर की उम्र कितनी होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 10 से 56 दिन। सामान्यतः एक मच्छर की उम्र 10 से लेकर 56 दिन की होती है, जिसमें मादा मच्छर की उम्र लगभग 42 से 56 दिन और नर मच्छर की उम्र सिर्फ 10 दिन होती है। अगर इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा है तो वह मादा मच्छरों से है, क्योंकि मादा मच्छर ही इंसान का खून चूसती है। वहीं यदि नर मच्छर की बात करें तो वह पेड़ पौधों के रस से अपना काम चला लेते हैं। मादा मच्छर को अंडे देने के लिए खून की आवश्यकता होती है और एक मादा मच्छर 500 से अधिक अंडे देती है। मच्छर के 6 पैर व 47 दांत होते हैं। प्रश्न क्रमांक आठ, निम्न में से कौन सा पक्षी कंकर पत्थर भी खा लेता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच पक्षी कंकर पत्थर खाता है। शुतुरमुर्ग के दांत नहीं होने के कारण वह अपना खाना सीधे ही निगल जाता है।
लेकिन उसके पेट में पचाने के लिए कंकर पत्थर खाने पड़ते हैं ताकि खाना पेट में जाकर आसानी से पिसकर पच जाए। इस तरह एक वयस्क शुतुरमुर्ग अपने पेट में लगभग 1 किलोग्राम कंकर पत्थर लेकर चलता है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किस प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी गई थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, जुल्फिकार अली भुट्टो। 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया था। भुट्टो 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। 3 सितंबर 1977 को सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मार्च 1974 में विपक्षी नेता की हत्या का आरोप लगा था। प्रश्न क्रमांक 10, किस जीव के 32 दिमाग होते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जोंक। जोंक यानी लीच, जिसके 32 दिमाग होने के बाद भी यह इंसान के दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बता दें कि जोंक एनिलिडा संघ का जंतु है जो उभयलिंगी होता है। यह ज्यादातर स्वच्छ जलाशयों में मिलता है। शरीर से यह लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त रहता है। आयुर्वेद में जलोकावरण पद्धति से जोंक से इलाज किया जाता रहा है।